हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल मेरे जो पीसी मैंने बिल्डअप किया है उसके लिए बनाया है। मैंने ये जो पीसी लिया है ये सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के पर्पज से लिया है और इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बजट पीसी है, गेमिंग पीसी नहीं है। एक तरह से गेमिंग पीसी होता तो वो हाई फाई होता है, नॉर्मल पीसी जिसे अपन बोलते हैं वो है। ये है मेरा पीसी जो मैंने लिया है। इसमें ये जो स्क्रीन दिख रही है ये स्क्रीन है 727 इंच की। अंदर जो प्रोसेसर है वो है AMD का। ये चालू हो गया पीसी मेरा। इसमें ये जो मैंने लीजन का मैंने कीबोर्ड लिया है और ये है इसका CPU, अंदर लगा हुआ प्रोसेसर। मेन जो है वो है प्रोसेसर और ये स्क्रीन, क्योंकि मुझे स्क्रीन बड़ी चाहिए थी और प्रोसेसर जो है हैवी चाहिए था, क्योंकि एडिटिंग के लिए प्रोसेसर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें ग्राफिक कार्ड भी है लेकिन ग्राफिक कार्ड जो है वो इतना महंगा आ रहा था तो मैंने ग्राफिक कार्ड नहीं लिया, मतलब परचेज नहीं किया है। ग्राफिक कार्ड मैंने अपने फ्रेंड से परचेज किया है जो कि उसने मुझे भले वो नहीं बिट्टू नहीं बेटा सेकंड हैंड है लेकिन जिस पर्पस के हिसाब से मैंने जो पीसी लिया उसको फुलफिल करता है। मीशु बिट्टू नहीं भाई। हाँ कहाँ पे? आ रहा हूँ बेटा, तो मेरे को बात तो कर ले दो। आया ठीक है, बस अब यही बैठो शांति से। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। जो ग्राफिक कार्ड है वो सेकंड हैंड लिया है मैंने, लेकिन जो मेरे जो एडिटिंग का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाता है। ये स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, बैकलाइट लाइट के साथ आया है, ये माउस है और जो लैन केबल है उसको मैं वहां से बाहर से एक्सटेंड करके यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने एक एक्सटेंड राउटर भी लगाया बीच में जो कि वहां लगा हुआ है उस गेट के पास में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बेटू, चलो बेटू आ जाओ। अरे हाँ ले, टिप लो, ले लो। जो लैन केबल है वो यहाँ से होते हुए ये इधर ऐसे ये ऊपर जा रही है, फिर ये ऐसे घूमते हुए, फिर ये इधर पीछे से होते हुए उधर जा रही है। ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, मीशो आ जाओ बेटा। यहाँ पर ये मैंने लिया है राउटर, इधर आ जाओ मीशो, मंकी उधर आ जाओ। यहाँ पर मैंने वायर को ऐसे छोड़ दिया है क्योंकि अगर मुझे अगर वायर अंदर से लेना होता तो मुझे यहाँ पर ना ड्रिल करना पड़ता, जो कि मैं नहीं चाह रहा था कि फालतू में शो खराब होता। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ऐसे छोड़ दिया है कि मान लो अगर गेट बंद करना होगा तो मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा और यहाँ पे से आराम से उधर दो, गेट बंद हो जाएगा। वाईफाई राउटर है क्योंकि है ना अंदर है ना रेंज नहीं आ रही थी वाईफाई की, बाहर जो राउटर लगा हुआ है इस वजह से है ना मेरे को एक्सटेंड मैंने वाईफाई राउटर लिया है, नहीं तो नॉर्मल राउटर भी आता है जिसमें वाईफाई नहीं होता और आराम से आप काम कर लो, लेकिन वाईफाई राउटर इसने लिया। पीसी में जो है वो तो लैन केबल लगी हुई है। मीशो चलो बेटा, इसमें जो है ना लैन केबल आ रही है वो यहाँ ऊपर से यू होते हुए ये होते हुए ये होते हुए ये हो रही है, ये आते हुए ये इधर से आ रही है, ये नीचे जा रही है, उधर पीछे से होते हुए इसमें लग रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे ये टोटल जो पीसी बिल्डअप किया है वो ओनली 60 से 70,000 में मेरा पूरा पीसी बिल्डअप हो चुका। बस मुझे दो ही चीजें महंगी पड़ी, वो पड़ी एक तो प्रोसेसर और एक स्क्रीन। मॉनिटर जो है वो मुझे महंगा पड़ा था, बाकी मैंने नॉर्मल लिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया। बेटा जी ये खाने की चीज नहीं है, ठीक है ना, इसे टाइप करते हैं, रख दो वहां पे, कहने का माना सीख हो गया। और ये चारों तरफ क्या बिखेरा बिखेरी कर रखी है, पूरा बिखेर देते हो आप, ये कुछ ही नहीं छोड़ते। ये पीसी मुझे इसलिए बिल्ड करना पड़ा क्योंकि अगर आप एक ब्लॉगर है या फिर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, हैवी काम करते हो, तो आपको एक हैवी पीसी बहुत जरूरी है उसके लिए। इसी वजह से मैं है ना लास्ट अगर आपने देखा होगा 15-20 दिन से मेरे ना ब्लॉग ही नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो इतना हैंग हो रहा था, हैवी एडिटिंग जो वो तो हो ही नहीं पा रही। तो नॉर्मल एडिटिंग के लिए वो मैंने एज ए बैकअप रख रखा है, जैसे मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो नॉर्मल एडिटिंग जो है वो उसमें हो जाएगी, तो उसके लिए उससे मैं ब्लॉग डाल दिया करूंगा। जब मैं घर पे रहूंगा उससे जो हैवी एडिटिंग है वो मैं इस पीसी से करूंगा, ये सामने जो पीसी है इससे करूंगा। ये व्लॉग जो है स्पेशली इस पीसी के लिए बनाया है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालूंगा, ना ही मैं हिना जी का थोड़ा दिखाऊंगा ना ही मीशु का। वैसे मीशु तो अपने आके प्रेजेंट लगा चुकी है, हिना जी अपनी प्रेजेंट नहीं लगा पा रही है। और हिना जी बताइए क्या हाल चाल? मुझसे बात मत करो, क्यों भाई आपसे क्यों नहीं बात करें, और किससे बात करेंगे? ये देखो पता नहीं लुक दे रही, ये लुक किस बात का दे रहे हो भाई, मतलब है ना इतना एटीट्यूड है। ये कौन साफ करेगा बताओ मुझे, कचरा बहुत सारा हो गया, डालना पड़ेगा। ड्राइंग रूम से अंदर वाला जो रूम है वहां तक मुझे मैंने जो वायर लेकर गया, मैंने पूरा का पूरा बंडल ले लिया था 100 मीटर का, 35 मीटर वायर लगा है पूरा का पूरा।
बाकी का वायर वहां रखा हुआ है उस टेबल के नीचे, उसको मैं बांध करके अंदर रख दूंगा, इन फ्यूचर काम आ जाएगा। इसे मेन जो काम है, जो मेरा जो सोल्यूशन हुआ है वो हुआ ग्राफिक कार्ड का, क्योंकि ग्राफिक कार्ड है ना वो मेरे फ्रेंड ने मुझे दे दिया था, इस वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। क्योंकि ग्राफिक कार्ड आज के समय अगर आप अच्छा ग्राफिक कार्ड लेना चाह रहे हो ना, तो वो बन रहा कम से कम 50-60,000। ग्राफिक कार्ड बहुत महंगा चल रहा है, बहुत जबरदस्त। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो और अगर कोई फ्रेंड है जिसके पास ग्राफिक कार्ड हो तो सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड ले लो। ग्राफिक कार्ड सिर्फ ग्राफिक्स के लिए होता है, बाकी जो मेन काम है वो है प्रोसेसर। वो प्रोसेसर करता है आपका, प्रोसेसर अच्छे से अच्छा लो। ग्राफिक कार्ड भले ही आप सेकंड हैंड ले लो, क्योंकि गेम तो खेलना है नहीं। जिसको गेम खेलना है वो ले हैवी वाला, जैसे 1 लाख के भी होते हैं पीसी, 2 लाख के, 3 लाख के, 5 लाख तक के पीसी होते हैं, बाकी इवन बियॉन्ड और भी हैवी ड्यूटी पीसी भी होते हैं। हम जैसे तो बजट वाले लोग हैं, तो हम तो बजट ही पीसी बना रहे हैं, तो एक अप्रोक्स नॉर्मल पीसी मुझे है 60-70,000 में पूरा कंप्लीट मुझे मेरा बन गया। क्या हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? क्या देखे इसमें, क्या देखे बताओ? खाना तो है ना जी, खा नहीं रही, मेरे को तो भूख लग रही, तो मैं तो खाऊंगा। देखते हैं क्या बनाएंगी ये। मैं सोच रहा हूँ कि मैगी बना के खा लूं। क्यों, एग रखे हैं? मैं खाना जो है मुझे लगता है मुझे मैगी खानी पड़ेगी, क्योंकि हिना जी बना रही थी खाना। तबीयत सही नहीं है आपकी? हाँ तबीयत सही है नहीं इनकी, तो मैगी खाएंगे और पेट भरेंगे और फ्री हो जाएंगे। और रात भी वैसे बहुत हो चुकी है, तो स्पेशल पीसी दिखाने का ब्लॉग है जो मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने बिल्ड कराया। और इसमें जो मेन जो है, इसमें जो मेरे फ्रेंड प्रशांत मिश्रा जिसने मेरी मदद करी है बिल्ड कराने में, और दूसरे आकाश शर्मा जिन्होंने मुझे ग्राफिक कार्ड दिया, तो उन दोनों की हेल्प से मेरा जो पीसी है ये पूरा बिल्ड हुआ है, तो उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर तो जरूर करना, और कमेंट तो प्लीज करो। ओके, बाय बाय।